तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइन्टी में रिलीज़ हुई मूवी गोश्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोश्त मूवी ने किया था सो so, अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि कौन सी टीम ने गोष्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोश्त मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लिसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है आदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूजिक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 13 जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेनसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने आदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया ने सबे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बर्ग्स ने आदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करैक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गोस्टस को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइनटीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोश्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोश्त मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लिसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वोपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सैनैटोग्राफी की है एदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वॉल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ तो जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का करैक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने आदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया ने सब्बे गोस्ट का करैक्टर निभाया है गेल बर्गस ने अदा माई सिस्टर का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एम सी औदा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रॉ द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका करैक्टर गोल्ड वर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो इस मूवी को आप अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइन्टी में रिलीज़ हुई मूवी गोश्त के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोश्त मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूजिक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी सेवन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्भे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक और मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जॉनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉब ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो so, गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहां पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1990 में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोश्त मूवी ने किया था सो so, अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोष्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोश्त मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है आदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट कि कि में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करैक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोश्त मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लिसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वोपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोष्ट मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है आदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वॉल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ तो जुलाई 1990 रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माय माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटैसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रो द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है ज़रूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहां पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सीमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वॉल्टर मर्च ने म्यूज़िक है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 13 जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोष्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सोचियावेली ने सबे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बर्ग्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करैक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइनटीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोश्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोश्त मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लिसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सैनमेटोग्राफी की है एदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ तो जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का करैक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने आदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया ने सब्बे गोस्ट का करैक्टर निभाया है गेल बर्गस ने अदा माई सिस्टर का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एम सी औदा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रॉ द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका करैक्टर गोल्ड वर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट औरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइन्टी में रिलीज़ हुई मूवी गोश्त के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोश्त मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूजिक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीन जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी सेवन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ तो कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन तो इस मूवी ने किया तो था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्भे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो घोस्ट मूवी एक रोमांटिक और मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जॉनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइन्टी में रिलीज हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइनटीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोष्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्हाँ लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वो गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है एदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी सेवन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटैसी मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड वर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1990 में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो so, अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि कौन सी टीम ने गोश्त मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोश्त मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है एदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूजिक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोश्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने आदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माय माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटैसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रो द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉब ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है ज़रूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहां पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सीमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीन तो जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया ने सब्भे गोस्ट का करैक्टर निभाया है गेल बर्गस ने अदा माई सिस्टर का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने औदा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रो द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका करैक्टर गोल्ड वर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइनटी में रिलीज़ हुई मूवी गोश्त के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्हाँ ने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोश्त मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वो गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूजिक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी सेवन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया क्वीन ने कोदा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो घोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटैसी मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्टस को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्डवर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइनटी में रिलीज हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइनटीन्स की बेस्ट मूवीज में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि कौन सी टीम ने गोश्त मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्हाँ लिखा है कौन से एक्टर आपको गोश्त मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री कसवेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सैनमेटोग्राफी की है एदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीन जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी सेवन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्भे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो घोस्ट मूवी एक रोमांटिक और मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जॉनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉब ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो तो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1990 में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोश्त मूवी ने किया था सो so, अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोष्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोश्त मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है आदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लिसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है आदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ तो जुलाई 1990 रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने आदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बर्ग्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माय माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटैसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रो द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है ज़रूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहां पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सीमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 13 जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोष्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया ने सबे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बर्ग्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका करैक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्टस को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है ज़रूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइनटीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोश्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोश्त मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लिसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वोपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोष्ट मूवी में सैनमेटोग्राफी की है आदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ तो जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का करैक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने आदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया ने सब्बे गोस्ट का करैक्टर निभाया है गेल बर्गस ने अदा माई सिस्टर का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एम सी कोदा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रो द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका करैक्टर गोल्ड वर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट औरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो तो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइन्टी में रिलीज़ हुई मूवी गोश्त के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है '19's की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम है आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोश्त मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूजिक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीन जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी सेवन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्भे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो घोस्ट मूवी एक रोमांटिक और मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जॉनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइन्टी में रिलीज हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइनटीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोष्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वो गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है एदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी सेवन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचियावेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने आधा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटैसी मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका करेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड वर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो तो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1990 में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो so, अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोश्त मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि कौन सी टीम ने गोश्त मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोश्त मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोष्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है एदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूजिक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोश्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन ट्वेंटी मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने आदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलेस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बर्ग्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने और माय माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटैसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जेनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रो द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्ड ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड uh, है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है ज़रूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहां पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हुई मूवी गोस्ट के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपरहिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जेरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वूपी गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सीमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीन तो जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया ने सब्भे गोस्ट का करैक्टर निभाया है गेल बर्गस ने अदा माई सिस्टर का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया एमसी क्वीन ने औदा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया फिल लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जानर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी एक रोमांटिक फंटेसी मूवी है जेरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आले इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी फ्र, गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रो द हेल्प ऑफ द साइक और द मो ब्रॉन उसका करैक्टर गोल्ड वर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोष्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइनटीन नाइनटी में रिलीज़ हुई मूवी गोश्त के बारे में गोस्ट मूवी काफ़ी फेमस मूवी है नाइन्टीन की बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी गोस्ट मूवी है सुपर हिट मूवी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गोस्ट मूवी ने किया था सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने गोस्ट मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्हाँ ने लिखा है कौन से एक्टर आपको गोस्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में हम हाँ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है जैरी जकर ने जेरी जकर जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं राइटर की बात की जाए तो गोस्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को लीसा बेस्टीन ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो गोश्त मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्री स्वेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेमी मोर देखने को मिल जाते हैं एंड वो गोल्डबर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो गोस्ट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है अदाम ग्रीनबर्ग ने और एडिट किया है इस मूवी को वाल्टर मर्च ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का मोराइस जेर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं गोस्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स हॉवर्ड डब्ल्यू कोच प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टीनथ जुलाई नाइनटीन रनिंग टाइम है गोस्ट मूवी का वन मिनट्स उसके आगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए कि कितने बजट में गोस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना अर्निंग एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो बजट की बात की जाए तो गोस्ट मूवी का बजट ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने लगभग फाइव मिलियन डॉलर का अर्निंग जो किया था कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में पैट्रिक स्वेंस ने सैम वीट का कैरेक्टर निभाया है डैमी मोर ने मॉली जेंसन का कैरेक्टर निभाया है बूपी गोल्डवर्ग ने अदा माई ब्राउन का कैरेक्टर निभाया है टॉनी गोल्डवेन ने कार्ल ब्रनर का कैरेक्टर निभाया है रिक एबिलस ने विली लॉपस का कैरेक्टर निभाया है विंसेंट सचिया so वेली ने सब्बे गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है गेल बॉक्स ने अदा माई सिस्टर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड अर्मेलिया क्वीन ने कोदा माई सिस्टर का कैरेक्टर निभाया है लीड्स ने एमरजेंसी रूम गोस्ट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो घोस्ट मूवी एक रोमांटिक और मूवी है जैरी जकर की कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको इस यह मूवी लगने वाली है और इस मूवी का जो प्लॉट है वो है इस मूवी की कहानी सैम वीट के आड़े इर्द गिर्द घूमती है जिसका कैरेक्टर की पैट्रिक ने निभाया है वो एक मर्डरर होता है बैंकर का जो कि गो, गोस्ट को सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मॉली जनसन होता है जो कि डेमी मोर ने उसका कैरेक्टर निभाया है और फ्रॉम द पर्सन हु किल्ड हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द साइक और द मॉ ब्रॉन उसका कैरेक्टर गोल्डवर्ग ने निभाया है सो गोस्ट मूवी 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको रोमांटिक फंटैसी मूवीज़ देखना पसंद है एंड इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस गोल्ड वर्ग को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रूबिन को इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है सो काफ़ी अच्छी मूवी है जरूर से देख सकते हो और आगे हम बात की है इस मूवी के आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है लगभग टू लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है गोस्ट मूवी को कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना